हेलो एवरीवन आज हम अपना नया टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे मैंने पिछली वीडियो में मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया है आप जाकर पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आप जाकर देख लीजिए देख कर वीडियो अच्छा समझने आ जाएगा उसी के बाद ही ये वीडियो देखेगी देखिएगा क्योंकि वो वीडियो देखने से पहले आपको ये वीडियो समझने नहीं आएगा इसलिए पहले वो वीडियो जाकर देख लीजिए उसके बाद ये वीडियो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन किसको कहा जाता है इंडस्ट्रीज में कितने क्लासिफिकेशन होते हैं कितने नहीं और वो क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इंडस्ट्रीज आर क्लासीफाइड इंटू टी इंटू थ्री कैटेगरीज सॉरी थ्री नहीं है वहाँ पे आप लिख लीजिए इंडस्ट्रीज आर क्लासीफाइड इंटू थ्री कैटेगरीज फर्स्ट वन इज प्राइमरी इंडस्ट्रीज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एंड टरीटरी इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज तीन कैटेगरी में तीन कैटेगरी में क्लासीफाइड किए गए हैं फर्स्ट वंथ में फर्स्ट वंथ है प्राइमरी इंडस्ट्रीज सेकेंड है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज और थर्ड है टेरेटरी इंडस्ट्रीज़ ये क्या क्या होता है एक एक से देखेंगे चलिए फर्स्ट हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे प्राइमरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है first industry yeah, primary industries these include all those activities which are connected with the extraction and production of natural resources and reproduction and development of living organism plants etc अब प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है जो भी चीज़ें जो चीज़ें ज़मीन में नेचुरल चीज़ें रहते हैं उसे एक्सट्रैक्ट करती है मतलब उस उसे ज़मीन में से निकालने का काम करती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स जो भी ज़मीन में जो भी गढ़े हुए चीज़ें हैं जैसे आयरन हो गया पेट्रोल हो गया ऑयल हो गया ये को निकाल निकालने का काम करती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाज़म प्लांट्स एक्सेट्रा और प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ क्या करती है रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट करती है लिविंग ऑर्गेज़म जैसे प्लांट्स हो गया प्लांट्स को प्लांटिंग करती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल्स बर्ड्स इन सब को पालती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ क्यों पालती है क्योंकि इसका नेक्स्ट आगे जाके इस्तेमाल हो अब जैसा काओ काओ को एग्जाम्पल लेते हैं हम का, काओ को क्यों पालती है इंडस्ट्री क्योंकि उसका मिल्क बेच सके उसका मिल्क बेच सके वो उसीयिए काओ को पालती है प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ समझ गया प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में एक्सट्रैक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का जो भी ज़मीन में नेचुरल रिसोर्सेज है उसका एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्शन करते हैं और तो फिर प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में समझ गए दो पॉइंट याद कर लीजिए प्राइमरी इंडस्ट्रीज में समझ गया है? समझ नहीं आ गया है दो उम्मीद कर रहा हूँ सेकेंड इंडस्ट्री है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है देखेंगे दीस आर कंसर्न विद यूजिंग द मटेरियल्स विच हैव ऑलरेडी बीन एक्स एट द प्राइमरी स्टेज ये ये इंडस्ट्री ये इंडस्ट्री क्या करता है जो भी चीज़ें जो प्राइमरी इंडस्ट्री जो एक्सट्रैक्ट करिए जो भी प्राइमरी इंडस्ट्री जो ज़मीन में से जो चीज़ें निकाली है उसका इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्शन करता है जैसे दिस इंडस्ट्रीज प्रोसेस सच मटेरियल्स टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन ऑफ फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाई अदर इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो मटेरियल्स जो मटेरियल्स जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज निकाली थी उसका इस्तेमाल करते हुए फाइनल गुड बनाती है जो फाइनल गुड्स जो गुड्स कस्टम जो गुड्स जो कंज्यूमर इस्तेमाल करता है वो गुड्स सेकेंडरी इंडस्ट्री बना देती है क्या याद रखने का सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो गुड्स भी जो गुड्स जो प्राइमरी इंडस्ट्री जो रॉ मटेरियल जो निकाली थी जो जमीन में से एक्सट्रैक्ट करी थी उसका इस्तेमाल करते हुए फाइनल गुड बनाती है सेकेंडरी इंडस्ट्री समझ गए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम सेकेंडरी इंडस्ट्री का सेकेंडरी इंडस्ट्री का एग्जाम्पल देख लीजिए माइनिंग ऑफ एन आयरन और इन ए प्राइमरी इंडस्ट्री बट मैनुफैक्चरिंग ऑफ स्टील बाय वे ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ राय आयरन्स इन ए सेकेंडरी इंडस्ट्रीज अब प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करती है जो लोहा रहता है लोहा ज़मीन में से निकालती है प्राइमरी इंडस्ट्री का काम है लोहे से स्टील के सामान स्टील के जो भी सामान बनाना है वो करती है सेकेंडरी इंडस्ट्री समझ गए लोहा निकालता है प्राइमरी इंडस्ट्री लोहे से स्टील्स के सामान बनाती है सेकेंडरी इंडस्ट्री और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं अब जैसे जो पेट्रोलियम पेट्रोलियम कह जो प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करती है ऑयल निकालती है डायरेक्टली ऑयल नहीं निकलता पेट्रोल का पेट्रोल डायरेक्टली जमीन में से नहीं निकलता वो ऑयल निकालता ऑयल निकालना पड़ता वो ऑयल निकालने का काम करती है प्राइमरी इंडस्ट्री वो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते प्यूरिफाई करके उसे पेट्रोलियम बना, बनाया जाता है वो करती है सेकेंडरी इंडस्ट्री काम समझ गया प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में डिफरेंस ये समझ गए तो टेरिटरी इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं टेरिटरी इंडस्ट्री थर्ड इंडस्ट्री These are concerned with providing support services to primary and secondary industries as well as activities relating to trade. ये टेरिटरी इंडस्ट्री क्या करती है पहली बात तो ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी आ, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को हेल्प करती है और साथ ही साथ जो भी गुड्स जो सेकेंडरी इंडस्ट्री बनाती है उसको उसको बेचने का काम करती है टेरिटरी उसको सपोर्ट प्राइवेट करती है जो बेचने का काम करती है टेरिटरी इंडस्ट्रीज दिस इंडस्ट्रीज प्रोवाइड सर्विसेज फैसिलिटीज़ ये सर्विस ये ये इंडस्ट्री सर्विस के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है इस इंडस्ट्रीज में क्या क्या आता है देखते हैं कौन सी कौन सी कैटेगरी आती है इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरीज आर ट्रांसपोर्ट बैंकिंग इंश्योरेंस वेयर हाउसिंग पैकेजिंग एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा ये इंडस्ट्री में क्या क्या आता है ये मैंने जैसे बताया था बेचने में ट्रेडिंग में हेल्प करती है इंडस्ट्री ये सामान बेचने में अब सामान बेचने के लिए क्या क्या चाहिए कैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन में अब जैसे गुड्स डायरेक्टली तो कस्टमर्स को नहीं भेजना चाह सकता इसलिए ट्रांसपोर्टेशन से हेल्प करती है या तो फिर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अब कंपनी को प्राइमरी और इंडस्ट्री को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है वो पैसे का काम करती है टेरिटरी इंडस्ट्रीज टेरिटरी इंडस्ट्रीज हेल्प करती है दोनों को वेयर हाउसिंग या तो फिर जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज उसको रखने का काम करती है पैकेजिंग और टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ में पैकेज जो गुड्स प्रोड्यूस होकर आते हैं उसको पैक पैक करती है टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ और एडवर्टाइजिंग मेन इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजिंग का काम भी टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ का रहता है जो एड्स हमें टीवी में देखने को मिलते हैं ये भी टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ की मदद से ही देखने को मिलते हैं समझ गए ये trazion, तीन तरह के तीन तरह के इंडस्ट्रीज़ प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ एंड टेरिटरी इंडस्ट्रीज़ इन तीनों में क्या क्या काम होता है क्या क्या मैंने सब आपको बता दिया है उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा अगर आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और जो भी डाउट रहा तो कमेंट कर कमेंट कीजिए मैं आपको रिप्लाई दूंगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसे आपके कॉमर्स के वीडियोस देखते हैं देखने को मिलेंगे थैंक यू